गुड मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस गुंजन वर्मा फ्रॉम संस्कृति गुरुकुल स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टीचिंग यू मैथ्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। ओके, तो हमने एडिशन कर चुके हैं, टू डिजिट, थ्री डिजिट, कैरी वाले भी कर चुके हैं। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स एडिशन के। ओके, तो उसमें हम लैंग्वेज दी होती है, आपको पढ़ना होता है, लिखना होता है लैंग्वेज, और सम सॉल्व करना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आप मेरे संग पढ़ेंगे, समझेंगे और हम करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? देयर आर 38 रोजेस। कितने रोजेज हैं? 38। एंड 16 सनफ्लावर इन अ बकेट। एक बकेट में कितने रोजेज हैं? 38। और सनफ्लावर कितने हैं? 16। हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन द बकेट ऑल टुगेदर? पूछा गया है बकेट में टोटल कितने फ्लावर्स हैं। ओके, तो करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, यहाँ लिखेंगे रोजेस। कितने रोजेज हैं हमारे पास? 38। कितने सनफ्लावर हैं? 16। तो प्रॉपर 38 के नीचे 16 लिखेंगे, यानी कि ऊपर नीचे कहीं भी लिखना नहीं। साइन लगाएंगे प्लस का। अब इसे ऐड करेंगे। 8 और 6 कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और 6 1 2 3 4 5 6, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। तो कैरी वाले हैं, आपको पता है कैसे करने हैं। 4 नीचे आएगा, 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। ओके, तो ये 1, उसके बाद 3, 1 2 3, उसके बाद 1, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5। ओके, तो हमें नीचे लिखना होगा कैसे? देयर आर 54 फ्लावर्स इन द बकेट। ओके, तो ये हम आपने देखा क्या लिखा था, 38 रोजेज हैं एक बकेट में, और एक बकेट में 16 सनफ्लावर हैं। टोटल कितने हैं? तो हमने कैसे किया, रोजेज लिखा 38, सनफ्लावर लिखा 16, उसको ऐड कर दिया, फिर लिखा देयर आर 54 फ्लावर्स इन द बकेट। ओके, वैसे ही हमें क्या करना, सेकेंड क्या दिया है, देयर आर 52 बफेलोज एंड 32 काउज इन अ डेयरी फार्म। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन द डेयरी फार्म? एक डेयरी फार्म में 52 बफेलोज हैं और 32 काउज हैं, तो टोटल कितने एनिमल्स हैं पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखना है हमें सॉल्व, यहाँ लिखेंगे हम बफेलोज। फोर्टी टू, यहाँ लिखेंगे काउ। थर्टी टू, ये 42, ये 32, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम लाइन के बिना करेंगे, 2 लिखा है, 2 3 4, इधर 4 और 3, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 7। तो नीचे हम लिख देंगे देयर आर 74 एनिमल्स इन द डेयरी फार्म। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया वाला अच्छे से। ओके, ऐसे हमें क्या करना है, थर्ड में क्या दिया है आपको, इन अ क्राउडेड बस 59 पैसेंजर्स आर सिटिंग एंड 18 पैसेंजर आर स्टैंडिंग। हाउ मैनी पैसेंजर्स आर देयर इन द बस? एक बस है, उसमें यात्री हैं, पैसेंजर्स यात्री, उसमें 59 जो पैसेंजर्स हैं वो क्या है, बैठे हुए हैं, और जो 18 पैसेंजर्स हैं वो क्या है, खड़े हुए हैं। तो टोटल कितने पैसेंजर्स हैं पूछा है, तो सॉल्व करते हैं, लिखेंगे पैसेंजर्स आर सिटिंग कितने बैठे हैं, 59। फिर सेकंड लिखेंगे पैसेंजर्स
आर स्टैंडिंग 18, प्रॉपर लिखना है, ये नहीं लिखना कि 59 यहाँ लिखा है, 18 यहाँ लिखा है, प्रॉपर। ओके, प्लस का साइन कंपलसरी है, ऐड कर देते हैं, 9 लिखा है और 8 लिखा है, तो काउंट करते हैं, फिंगर पे काउंट करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आया 17, तो 17 का 7 नीचे और 1 ऊपर, 5 6 7, इधर भी क्या है 7, तो टोटल कितने पैसेंजर्स हैं बस में, 77, देयर आर 77 पैसेंजर्स इन द बस। ओके, तो 1 2 3 मैंने आपको समझाए कैसे करनी है, अब आपको 4 समझा देती हूँ, आपको खुद करना है। 4th वाला भी क्या लिखा है, इन अ क्रिकेट मैच सचिन स्कोर 78 रन्स एंड रोहित स्कोर 14 रन्स, हाउ मैनी रन्स डिड बोथ विद द स्कोर टुगेदर। एक मैच चल रहा है जिसमें सचिन ने कितने रन बनाए, 78, और रोहित ने कितने रन बनाए, 12, दोनों ने मिलकर कितने बनाए हैं, ये आपको करना है। ओके, लैंग्वेज के साथ वैसे ही आपको करना है। 5th क्या लिखा है, अ शॉपकीपर सोल्ड 54 हिंदी बुक्स, 12 इंग्लिश बुक्स, 18 साइंस बुक्स ऑन मंडे, हाउ मैनी बुक्स डिड ही सेल इन ऑल। एक शॉपकीपर, उसने 54 हिंदी की बुक सेल करी, 12 इंग्लिश की बुक सेल करी और 18 साइंस की बुक सेल करी, तो उसने टोटल कितनी बुक सेल करी। ओके, तो सब एडिशन वाले ही हैं, 4 और 5 आपको खुद करना है, 1 2 3 मैं आपको समझा चुकी हूँ, जैसे हमने 1 2 3 किए वैसे ही आपको करना है, और प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, प्रॉपर राइटिंग में लिखना है और प्रॉपरली लिखना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।